गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 5 अर्ली एम्पायर फ्रॉम न्यू बुक। दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ फुटप्रिंट्स। इन ओल्ड बुक दिस चैप्टर इज 6th चैप्टर अर्ली एम्पायर्स। द बिग आइडिया जनपद्स एंड महाजनपद्स। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जनपद और महाजनपद के। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, सरकार के प्रकार। मोनार्कीज एंड जनसंघ्स। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड सोसाइटी। केस स्टडी मगध एंड वजी। हिस्ट्री मेकर पानिनी। वॉज ए क्रैमेरियन इन अनशियंट इंडिया 5th और 4th century BC। पानिनी एक व्याकरणविद थे प्राचीन भारत में। कौन सी सेंचुरी में थे वो? 5th या फिर 4th, दोनों ही सेंचुरी में रहे हैं वो। दिस अष्टाध्यायी इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर। और जो उनके द्वारा बुक लिखी गई थी अष्टाध्यायी, इसमें संस्कृत जो व्याकरण है ये उसके ऊपर बेस्ड है, संस्कृत व्याकरण के ऊपर। और ये जितने भी आज के वर्क हैं ये उन सभी वर्क में से सबसे पुरानी बुक है। इट सम्स अप द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर इन 3,1996। ये 3,996 सूत्रों में संस्कृत ग्रामर के जितने भी रूल हैं उनकी व्याख्या करती है। हाईली कंप्रेस्ड एंड कंडेंस्ड स्टेटमेंट्स। और इसमें जो सूत्र दिए गए हैं वो काफ़ी उच्च स्तर में संकुचित और संगणित कथन हैं। एट ए ग्लांस, एक नज़र, जनपद्स एंड महाजनपद्स। राइज ऑफ मोनार्कीज एंड रिपब्लिक, राजतंत्र और गणतंत्र का उदय। मगध एमर्ज्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद। और जो मगध है वो एक सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन के उभरा। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में विकास हुआ। यूज ऑफ आयरन, लोहे का प्रयोग किया गया। एंड यूज ऑफ टेक्निक लाइक पैडी ट्रांसप्लांटेशन, और जो धान की रोपाई होती है उस तकनीक का यूज़ किया गया। इंक्रीज इन ट्रेड, और व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई। फॉर्मेशन ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स, और जो व्यापार समाज है उसका गठन हुआ। एमर्जेंस ऑफ सी पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, और जो पश्चिमी तट हैं उस पर बंदरगाहों का निर्माण किया गया। रिलीजियस चेंज, और धार्मिक परिवर्तन भी हुए। वर्ण सिस्टम, वर्ण जो व्यवस्था है वो शुरू हो गई। राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, और जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है उनका उदय हुआ। इन चैप्टर फोर में वी रीड हाउ इन अर्ली वैदिक पीरियड द राजन्स वॉज चूजन बाई जन। हमने चैप्टर फोर में पढ़ा था कि कैसे आरंभिक जो वैदिक पीरियड था, युग था, उसमें राजा को चुना जाता था व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा। बट अराउंड 600 BC, लेकिन 600 BC में चेंज टू प्लेस इन द मैनर इन विच दीज राजास वर चूजन। लेकिन 600 BC में इस व्यवहार में या इस तरीके में परिवर्तन हुआ। इन विच, कौन से तरीके में? जिस तरीके से राजा को चुना जाता था। सम मैन नाउ बिकेम राजन्स, और इनमें से जो कुछ व्यक्ति हैं वो राजन बन गए। बाय डिस्प्लेइंग देयर मिलिट्री प्रोवेस, अपनी जो मिलिट्री यानी कि जो आर्मी से अपने सेना कौशल को प्रदर्शित करके। प्रोमिसिंग टू प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट्स, और लोगों की सुरक्षा का वादा करके। एंड बाय परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफाइस, या फिर जो बड़े त्याग करके उन्होंने, वो क्या बन गए थे? राजन। द मोस्ट कॉमन सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाय पावरफुल किंग्स वॉज द अश्वमेघ सैक्रिफाइस और द हॉर्स सैक्रिफाइस। और जो सबसे महत्वपूर्ण और जो कॉमन त्याग था जो शक्तिशाली राजाओं के द्वारा किया जाता था वो क्या था? अश्वमेघ त्याग या फिर हॉर्स सैक्रिफाइस, घोड़े का त्याग। कनेक्टेड टू हिस्ट्री, द अश्वमेघ और द हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज एन इम्पोर्टेंट रॉयल रिचुअल मेंशन्ड इन द वैदिक टेक्स्ट।
अश्वमेघ जो यज्ञ है या त्याग है वो एक महत्वपूर्ण शाही अनुष्ठान होता था, जिसका वर्णन किस में मिला हमने, वैदिक ग्रंथों में। इट वॉज कंडक्टेड बाय अ किंग, यह किसके द्वारा किया जाता था, राजा के द्वारा। टू शोकेस हिज मिलिट्री स्ट्रेंथ, और ऐसा राजा क्यों करता था, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी कि सेना की ताकत को दर्शाने के लिए इसका संचालन करता था। अ हॉर्स वॉज सेट लूज टू रोम अराउंड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानि कि एक साल के दौरान एक घोड़े को फ्री छोड़ दिया जाता था रोम करने के लिए, मीन्स घूमने के लिए। इफ़ द हॉर्स वेंडर्ड इन टू द किंगडम्स ऑफ अदर किंग्स, यदि वह घोड़ा दूसरे राजाओं के राज्य में घूमता, एंड दे स्टॉप्ड इट, और वो उसे पकड़ लेते, दे हैड टू फाइट द किंग, तो उन्हें राजा से लड़ना पड़ता। हुज हॉर्स दे हैड स्टॉप्ड, जिसका घोड़ा उन्होंने पकड़ा है। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, यदि वे हॉर्स को अलाउ कर देते वहाँ से गुजरने के लिए, इट मीन्ट दैट, तो इसका अर्थ क्या था, दे एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द राजा, कि वे राजा के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। हु परफॉर्म्ड द सेक्रीफाइस, जिसने इस अनुष्ठान को या फिर यज्ञ को किया है। दिस सेक्रीफाइस वॉज एन ओकेजन फॉर द किंग टू रिसीव मैनी गिफ्ट्स फ्रॉम नेबरिंग किंग्स, और इस त्याग के दौरान या इस अनुष्ठान के दौरान राजा को बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते थे अपने पड़ोसी राजाओं से। हु केम एज स्पेक्टेटर, जो दर्शक के तौर पर राजा के पास आते थे। द किंग्स चीफ क्वीन और महिषी प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द रिचुअल, और जो राजा की प्रमुख पत्नी होती है या फिर महिषी बोलते हैं उसको, इस रिचुअल में, इस अनुष्ठान में उसका महत्वपूर्ण रोल होता था। जनपद सेंट महाजनपद, द किंग हु परफॉर्म्ड दिस बिग सेक्रीफाइस ग्रेसफुली केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स ऑफ जनपद, जो राजा इन बड़े अनुष्ठानों को करता था, केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स ऑफ जनपद, तो उस राजा को जनपद के राजा के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता था। रैदर देन जन्स, या फिर जन की अपेक्षा जनपद के राजा के तौर पर उसको माना जाता था, या फिर वह जनपद का राजा बन जाता था। जनपद पर लिटरेली द फुट होल्ड ऑफ द जन्स, दैट इज द टेरिटरी वेयर द जन्स सेटल डाउन एंड रिसाइडेड, और जनपद क्या थे, ये जन की तलहटी माने जाते थे। शाब्दिक अर्थ जनपद का क्या है, जन की तलहटी, दैट इज, इसका मतलब क्या, टेरिटरी, वह क्षेत्र जहाँ पर जो जन है वो बस गए और वहीं पर उन्होंने निवास किया। एज जन बिकेम आइडेंटिफाइड विद पार्टिकुलर टेरिटरीज, और जो जन्स हैं वो बाद में विशेष क्षेत्र के तौर पर उनको पहचान मिल गई थी जन को। राजन्स ऑफ द जन्स बिकेम किंग्स ऑफ किंगडम और जनपद, और जो जन का जो राजन होता था वो बाद में क्या बन जाता था, किंगडम यानि कि साम्राज्य का या फिर जनपद का राजा, अगर वो ऐसा सेक्रीफाइस करता है तो। देयर वर सेवरल जनपद, उस टाइम में कुछ जनपद थे नेम्ड आफ्टर द ट्राइब्स और द जन हु लिव्ड देयर, और उनका नेम के उन जातियों या फिर उन जन के नाम पर पड़ा जो वहाँ पर रहते थे। बाय 600 BC और 600 BC के दौरान मैनी ऑफ दीज जनपद हैड बिकेम बिगर एंड मोर पावरफुल, इनमें से जो बहुत सारे जो जनपद है वो काफ़ी बड़े हो गए और शक्तिशाली भी। दे इवॉल्व्ड इनटू लार्ज पॉलिटिकल एंटिटीज नोन एज द महाजनपद्स और द ग्रेट किंगडम्स, और इसके बाद जो इनमें काफ़ी बड़ी जो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो विकसित हुई, और उन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद, यानी कि पहले तो हमारे जनपद का उद्योग, उसके बाद महाजनपद का, या फिर उन्हें क्या कहा जाता था, महान साम्राज्य। एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस,
और जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है वो हमें 16 महान साम्राज्यों के बारे में बताते हैं एंड रिपब्लिक्स या फिर गणतंत्रों के बारे में और महाजनपद या फिर महाजनपद के बारे में दैट फ्लरिस्ट इन द नॉर्थन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 500 BC यानी कि 500 BC के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी या फिर उत्तरी पश्चिमी भागों में इन महाजनपद का विकास हुआ। दीज वर कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट स्टेट्स इन इंडिया और इन महाजनपदों को भारत के प्रारंभिक राज्यों के रूप में देखा जाता है या फिर माना जाता है। द सिक्सटीन महाजनपद स्वर जो 16 महाजनपद थे वो कौन से थे? काशी, कौशला, अंगा, मगध, विदेहा, मल्ला, छेदी, वत्सा, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सूरसेना, अस्माका, अवंती, गंधारा एंड कंबोज। ऑफ दिस मैनी महाजनपद और इनमें से जो जनपद हैं 4 एमर्ज्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आफ्टर ईयर ऑफ इन फाइटिंग यानी कि उनके अंदरूनी कल्ले के कारण इनमें से केवल 4 महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरे। देवर मगध, उनमें कौन से थे? मगध, वत्सा, अवंती एंड कौशला। ये उस टाइम के सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद माने जाते हैं और पावरफुल भी। बट विद इन 200 ईयर्स लेकिन 200 साल में मगध हैड ओवर टेकन द अदर 3। मगध ने जो दूसरे जनपद थे बाकी के 3 वो कौन से थे? वत्स, अवंती और कौशला पर भी अपना अधिकार कर लिया था। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सरकार के प्रकार सम ऑफ द महाजनपद वर रिपब्लिक्स और गण संघ इनमें से जो कुछ जनपद थे वो गणतंत्र होते थे या फिर जनसंघ होते थे। विच पर गवर्न्ड बाई ए काउंसिल और इन्हें एक परिषद के द्वारा इन पर शासन किया जाता था। द रिपब्लिक ऑफ वजी और व्रीजी वॉज वन सच एग्जाम्पल और इस गणतंत्र का एक उदाहरण कौन सा जनपद है? वजी या फिर व्रीजी। अदर सच एज कौशल एंड मगध वर मोनार्चीज इसके अलावा जो कौशल और मगध हैं उनमें किस टाइप की गवर्नमेंट थी? राजतंत्र। मोनार्चीज द मोनार्चीज जनपद महाजनपद वर रोल्ड और जो राजतंत्र महाजनपद हैं उन पर शासन व्यक्तिगत राजाओं के द्वारा किया जाता था। मैनी ऑफ द किंग्स ऑफ द महाजनपद इन महाजनपद के बहुत सारे राजा बिकेम वेरी पावरफुल वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे एंड मोनार्की बिकेम द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट और राज्य या फिर सरकार की सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म बनकर उभरी। उस टाइम में राजतंत्र किंगशिप वॉज हेरेडिटरी और जो ये राजा का जो शासन है वो वंशानुगत हो गया। दैट इज द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेटेड द किंगडम क्योंकि राजा के जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको जो साम्राज्य है वो विरासत में मिलता था एंड बिकेम किंग आफ्टर द फादर और वह अपने पिता के बाद राजा बनता था। द किंग केम टू सिम्बोलाइज द स्टेट और राजा को स्टेट का राज्य का प्रतीक माना जाता था। ही हैड एब्सोल्यूट पावर्स एंड वॉज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी एंड धर्मा और राजा के पास वास्तविक शक्तियाँ होती थी और उसे समाज या फिर धर्म के रक्षक के रूप में देखा जाता था। ही वॉज असिस्टेड बाय अमात्याज और ऑफिशियल मिनिस्टर्स वाइल गवर्निंग और अपने शासन के दौरान उसकी जो अमात्य होते थे या फिर ऑफिशियल या फिर राजकीय मंत्री होते थे उनके द्वारा उसकी वो राजा की मदद करते थे शासन को चलाने में। बाय द सेनापति और सेनापति के द्वारा वाइल कन्क्वायरिंग अदर लैंड्स एंड फाइटिंग जब दूसरे क्षेत्रों पर जीत की
क्षेत्रों पर आधिपत्य के दौरान या फिर युद्ध के दौरान सेनापति के द्वारा भी राजा की मदद की जाती थी युद्ध में, एंड बाय द पुरोहित, और पुरोहित के द्वारा वाहिल परफॉर्मिंग रिलीजियस एंड सोशल ड्यूटीज, और पुरोहित या फिर पुजारी के द्वारा धार्मिक और जो सामाजिक अनुष्ठान या कार्य किए जाते थे। पावरफुल किंग्स नीडेड स्टैंडिंग आर्मीज, और जो शक्तिशाली राजा होते थे उनको एक स्थायी सेना की आवश्यकता हुई। परमानेंट आर्मीज ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, यानी कि राज्य की तत्परता के लिए हमेशा स्थायी सेना का होना। टू कंक्वायर अदर टेरिटरीज, दूसरे क्षेत्रों को जीतने के लिए, एंड टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द किंगडम, या फिर राज्य में अपने आदेश को मेंटेन या बनाए रखने के लिए। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल के दौरान जो सिपाही होते थे उनको रेगुलर सैलरी दी जाती थी राजा के द्वारा। सम पेमेंट्स वर इन कैश, कुछ पेमेंट वो कैश में होती थी, ऑब्वियसली नॉट इन पेपर मनी, वास्तव में स्पष्ट तौर पर पेपर मनी नहीं होती थी। दैट वी यूज टूडे, जैसा कि हम आज यूज करते हैं। बट इन पंच मार्क्ड कॉइन्स, उस टाइम में जो मनी होती थी वो क्या होती थी, पंच मार्क्ड कॉइन्स, छिद्रित सिक्के। वेयर डिड द मनी फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज कम फ्रॉम, और जो यह मनी जो राजा सैलरी के तौर पर पे करता था, सिपाहियों को देता था, ये कहाँ से आती थी। द किंग्स यूज्ड इनकम फ्रॉम टैक्सेस, राजा की जो आय वो किससे होती थी, जो वह जनता पर कर लगाता था उसके द्वारा। फॉर पेइंग द सोल्जर्स, और इस आय के द्वारा ही वह सिपाहियों को पे करता था, आय देता था। मेंटेनिंग द आर्मी, और आर्मी को व्यवस्थित रखने के लिए। फॉर बिल्डिंग रोड्स, या फिर रोड्स को बनाने के लिए, एंड अदर वेलफेयर एक्टिविटीज, या फिर दूसरे कल्याण कार्य करने के लिए राजा इस इनकम का प्रयोग करता था। जो जनता पर टैक्स लगाता था वही राजा की इनकम होती थी। रिपब्लिक्स या फिर गणसंघ, गणतंत्र। एज मेंशन सम ऑफ द महाजनपद्स वर किंगडम्स और राजास रूल्ड बाय ए किंग, जैसा कि मेंशन किया गया, ऊपर बताया गया है कि जो महाजनपद है या फिर राज्य हैं या फिर राजा थे, उन पर एक राजा के द्वारा शासन किया जाता था। अदर्स वर जन्स और जन राजास और जन संघ, और जबकि जो दूसरे जन राज्य या फिर जनसंघ होते थे, टर्म्स उन पर दैट आर ऑफन ट्रांसलेटेड एज रिपब्लिक, वो गणतंत्र के रूप में परिवर्तित हुए। इन सच स्टेट्स, और इन राज्यों में अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह, यूजुअली मेल हेड्स ऑफ पार्टिकुलर फैमिलीज, जो विशेष परिवार होते थे उनके मुखिया होते थे, मेड ऑल डिसीजन टुगेदर, वो मिलकर निर्णय लेते थे। मीटिंग सेवरल टाइम्स इन एन असेंबली, या फिर सभा में समय समय पर सभाएं करके मीटिंग लेते थे। दैट वॉज कॉल्ड द जन, और उनको क्या कहा जाता था, जन। क्षत्रिय फैमिली, जो क्षत्रिय फैमिली होती है, हु ओन्ड मोस्ट ऑफ द लैंड इन द जनसंघ, जो जनसंघ में काफ़ी बड़ी भूमि के मालिक होते थे। वर द वंस हु एक्सरसाइज्ड पॉलिटिकल पावर्स इन दिस रिपब्लिक, वह इस गणतंत्र में राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते थे। थस इस प्रकार अ रिपब्लिकन महाजनपद वॉज रूल्ड बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल रादर देन बाई ए सिंगल इंडिविजुअल, इस प्रकार एक जो गणतांत्रिक महाजनपद होता था उसे एक लोगों के समूह के द्वारा उस पर शासन किया जाता था। एक सिंगल व्यक्ति की बजाय पूरे ग्रुप के लोगों द्वारा ही उस पर शासन होता था। ऑल द किंगडम्स एंड गणसंघ हैड लार्ज कैपिटल सिटीज, और सभी जो राज्य हैं या फिर गणसंघ हैं उनकी एक बड़ी राजधानी होती थी। सम ऑफ द सिटीज वर फोर्टिफाइड बाय मैसिव ब्रिक वॉल्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेड्स एंड इन्वेशंस, और इन सिटीज को, यानी कि जो राजधानी होती थी, उनकी किलेबंदी कर दी जाती थी। काफ़ी बड़ी
जो ईंटों की दीवारों से द्वारा, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके, किससे? रेड से, छापों से और युद्ध से या फिर आक्रमण से। एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, कृषि है वो लोगों का मुख्य व्यवसाय थी। एंड इट वॉज द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से, कृषि से उन्हें आय मिलती थी। दैट फॉर्म्ड द फाउंडेशन ऑफ मोनार्किकल एंड रिपब्लिकन स्टेट्स, और इससे जो राजतंत्र या फिर जो गणतंत्र राज्य हैं, ये कृषि को उनकी नींव माना जाता था। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय के दौरान, देर वॉज एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और इस समय के दौरान जो कृषि उत्पाद हैं उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। क्योंकि टू न्यू टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इस टाइम में जो दो नई तकनीक आई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन टूल्स, इस समय के दौरान जो लोहे के औजार हैं उनका निर्माण किया गया। एंड पैडी ट्रांसप्लांटेशन या फिर धान की रोपाई की, ये दो टेक्निक आई थी उस टाइम में, नई थी। जो यूज ऑफ आयरन, लोहे का प्रयोग, आयरन नाउ बिगेन टू बी यूज एक्सटेंसिवली। लोहे का जो प्रयोग है वो प्रचुर मात्रा में किया जा में यूज में शुरू हो गया था, यानी कि एक बड़ी मात्रा में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था। द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लाउ शेयर्स एंड अदर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मेंट दैट द हैवी क्ले सोयल ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स कुड बी टर्न्ड ओवर इजली। लोहे के हलों का प्रयोग, एंड और दूसरा क्या था, कृषि के औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। दैट मैंट दैट द हैवी क्ले, यानी कि जो मिट्टी के जो भारी ढेले होते हैं जो गंगा के मैदानों में थे, कूड भी टर्न्ड ओवर इजली, उन्हें आसानी से पलटा जा सकता था। लीडिंग टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और इससे कृषि उत्पादों में बढ़ोतरी हुई। पैडी ट्रांसप्लांटेशन, धान रोपाई। पीपल आल्सो लर्न्ड द टेक्निक ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन, और लोगों को धान रोपाई की तकनीक का पता था। इन दिस टाइप ऑफ प्लांटेशन, और इस प्रकार की रोपाई में या पैदावार में सैपलिंग्स वर ग्रोन, छोटे पौधों को उगाया जाता था। देन प्लांटेड इन प्रिपेयर्ड फील्ड, और उसके बाद जो तैयार खेत होते थे उसमें उन पौधों को प्लांट कर दिया जाता था, बो दिया जाता था। रादर देन सीड्स, या फिर जो बीज हैं उनको स्केटर्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर बिखेर दिया जाता था। दिस बैक ब्रेकिंग वर्क रिक्वायर्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर दासाज, और इस कमर तोड़ जो काम था ये, उसमें हमें बहुत सारे मजदूरों की या फिर दास की आवश्यकता हुई। एंड क्रम कार्स या फिर क्रमकारों की, लेबर जो मजदूर को कहा जाता था उस टाइम में। बट इट लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और इससे भी जो कृषि के उत्पादों में बढ़ोतरी हुई। वेल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। वी रीड द रिमेनिंग लेसन यस्टरडे। थैंक यू।